देश में महिला और मासूम बच्चों के साथ हो रही दरिंदगी बलात्कार के खिलाफ आज मुरादाबाद में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी ने मुरादाबाद की अन्य सोसाइटियों के साथ मिलकर शर्मिंदगी पद यात्रा निकालकर इस घिनौने काम करने वालों को जागरूक करने और लोगों को इस हरकत से बचने का संदेश दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश की हर बेटी को अगर अपनी माँ बहन और बेटी समझा जाए तो इस तरीके की हरकत करने वालों पर रोक लग सकती है। इसका उद्देश्य ये है कि जो आज हमारे समाज के अंदर बच्चियों के संग, महिलाओं के संग, बेटियों के साथ जो घिनौनी हरकत की जा रही है उसको रोका जाए। वैसे तो देखा जाए कि बेटियां उनकी ये हरकत करती हैं, उनकी भी अपनी बेटियां हैं, अगर वो अपने को इन बेटियों को भी अपनी बेटियां समझें तो शायद ये घिनौनी हरकत रुक सकती है। लेकिन वो दरिंदे, उनकी अपनी बेटियाँ नहीं होती जो ये हरकतें करती हैं, इसलिए हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि आज अगर आप किसी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हम लोग जागरूक हुई है, आप लोग जागरूक हुई है और ऐसी घिनौनी हरकत को करने से रोकिए, इसी उद्देश्य से एक पद यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। मेरा नाम राशिद सैफी है और मैं इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। आपके साथ कौन कौन सी कितनी सोसाइटी आपके साथ इस पद यात्रा में? शहर मुरादाबाद की कम से कम 12 से 15 सोसाइटीज हैं, जिसमें सर्वधर्म सेवा संगठन, माँ गंगा प्रदूषण समिति, सामाजिक समरसता मंच, महानगर अमन कमेटी और 60 संस्था है, बहुत सारी संस्थाएं हैं शहर मुरादाबाद की, जो आज इस शर्मिंदगी पदयात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज ये जो शर्मिंदगी यात्रा हम निकालने जा रहे हैं, ये इसलिए निकालने जा रहे हैं कि आज हम समाज के लोग ये देखें कि हम कितने निचले स्तर तक गिर चुके हैं, कि हम महिलाओं और औरतों के साथ साथ छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ भी हम दुराचार बलात्कार करने के बाद में बेरहमी से दरिंदगी दिखाते हुए उनकी हत्याएं तक कर देते हैं। तो हम ये शर्मिंदगी पदयात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि समाज के लोग शर्मिंदा हों, हम शर्मिंदा हों। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट।